एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे इज राम नवमी, तो मैं उठ चुकी हूँ और चलो तैयार होते हैं। एवरीवन, अभी मतलब बाथरूम में पत्थर लग चुका है और अभी पत्थर लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पत्थर लग रहा है अब तो ऑलमोस्ट कंप्लीट। कब तक हो जाएगा कंप्लीट? दो तीन दिन में। तो दो तीन दिन में हमारे पूरे घर में पत्थर लग जाएगा। तो यहाँ पे भैया वर्क कर रहे और कह रहे हैं इधर आजा, वीडियो बन रहा है इधर। मैं उनकी बना चुकी हूँ पहले ही। बन गया है? हाँ, उनका बन चुका है। अभी मेरा बन रहा है, अभी आपका बन रहा है। तो अगर आप लोगों को भी इनसे काम करवाना तो आप लोग मुझे DM कर देना, मैं इनका नंबर दे दूंगी। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो चलो, बस अब यहाँ रह गया है और स्टेयर्स रह चुकी हैं। ऑलमोस्ट हर जगह लग चुका है पत्थर और ये भी कंप्लीट हो गया है। बना रही है रामनवमी स्पेशल साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना लिए बनाया है रायता घिया का। और पायल तो खिचड़ी बना रही है साबूदाने की और पत्थर वाले पत्थर लगा रहे हैं और मम्मी काम कर रही है थोड़ा बहुत। और अभी आज का प्लान कुछ ऐसा है, अभी हम पहले जाएंगे मंदिर में क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है, और पूजा करके आएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे पानीपत, फिर उसके बाद हम आज जाएंगे जिम ट्रायल लेने, और फिर उसके बाद मैं मेरे फ्रेंड से मिलूँगी और थोड़ी सी वीडियो शूट करेंगे थार पे। तो चलो फिर फटाफट पहले मिलते हैं तैयार होके। सो ये प्याज मैंने कट कर लिए हैं छोटे छोटे और ये मैंने आलू कट करे हैं, ये भी डालूंगी मैं। सो कटिंग तो हो गई है मेरी, प्याज भी और आलू भी, बस ये टमाटर कट करके अभी स्टार्ट करना है बनाना। और ये मैंने भिगो रखा था, इसको 6 घंटे हो गए हैं तो ये भी अच्छे से फूल गया है, इसको भी वॉश करना है। तो ये टमाटर भी छोटा छोटा काट लिया मैंने एकदम से और ये सारा तैयार है अब बस। और ये मेरा पैन, तो मैं तो देसी घी में बनाऊंगी ऑब्वियस, तो मैं ये घी ऐड करती हूँ। पहले मैंने हाई फ्लेम कर रखी है ताकि घी जल्दी से मेल्ट हो जाए, फिर इसे लो फ्लेम पे बनाऊंगी। ये हाथ से ही करना पड़ रहा है क्योंकि काजल को नहाने गई है, क्योंकि हमें मंदिर भी जाना है। तो मैंने इसमें पीनट्स भी ऐड कर दिया है क्योंकि ना मतलब अगर हम पहले फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, तो मैंने अभी डाल दिया तो ये अभी फ्राई हो जाएंगी, क्रंची हो जाएंगी इसी के साथ, अभी डाल दी मैंने। तो ये भी क्रंची हो जाएंगे इसके साथ ही। तो ये ऑनियन तो फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें ये ऐड कर देती हूँ। ये भी मैंने पानी में भिगो रखे थे क्योंकि ना इनसे जो सारा गंद है वो निकल जाता है इसका। इससे आलू भी जल्दी पक जाएंगे। थोड़ी सी हल्दी ऐड करती, ब्लैक पेपर,
साबुदाना ऐड कर दिया, ये धनिया पाउडर, मम्मी चाय बना रही है, और मैं ये टमाटर लास्ट में ऐड करूँगी अभी, क्योंकि मुझे इसी फ्लेवर में मतलब टमाटर खाना पसंद है, ऐसे बॉइल्ड टाइप। तो अभी बस ये 5 मिनट में बन जाएगी। तो दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, बनने के बाद देखते हैं कैसी लगेगी। मेरी माता चाय, बस ये मैंने वही, ये नमक था, ये ब्लैक पेपर डाली थी, और ये धनिया पाउडर था, और ये हल्दी, ये सब डाल दिया। वो सब अपना होता है, सबका कोई कैसे भी डाल सकता है, तो मैं ऐसे ही ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे इसी फ्लेवर में मतलब अच्छी लगती है। सो तो ये बस 5 मिनट में बन जाएगी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अब मैं करूँगी थोड़ा सा मेकअप और हेयर स्टाइल, और फिर उसके बाद हम बूट्स पहनेंगे, देन हम जाएंगे खेड़े पे पूजा करने, फिर उसके बाद जाएंगे हम पानीपत। तो चलो तैयार होके मिलते हैं, फिर फटाफट मेकअप करते हैं और हेयर स्टाइल, फिर मिलते हैं आपसे। हाय एवरीवन, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये मैंने हेयर स्टाइल बनाया है, और ये मैं लगाऊंगी चश्मे, बिकॉज रास्ते में बहुत धूल होती है और उसकी वजह से सारा मेकअप बैंड में जाती है। तो चलो फिर चलते हैं। पायली खेड़े के लिए जोत ले रही है, खाना खा लेते हैं फटाफट, रायता और एक रोटी। यहाँ पे सामान रख लिया है, और अब हम चलाएंगे एक्टिवा। अरे भाई चल जा, बहुत प्यारा दोस्त, जिसे मेरे कुत्ते को देख के वो हो रहा है इंस्पायर। हम आ चुके हैं खेड़े पे, तो ये खेड़ा है, और ये मेरी बहन है, और ये गांव है, तो यहाँ सब घूर घूर के देख रहे हैं। तो चलो चलते हैं। इस तरह से आई हूँ क्योंकि मुझे सब जानते हैं, तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और टाइम वेस्ट भी होता है, इसलिए मैं ऐसे आई चली गई अंदर। और मैं यहाँ पे निकालूँगा बूट्स, गाय को खिलाने के लिए दे दिया है, और ये सारी गाय इकट्ठी हो रही है, और ये पाए। तो आज रामनवमी है, तो ये लोग नहरों में, ये देखो पॉलिथीन है कितनी सारी, वो ध्यान से देखो, फ्लावर्स हैं, फूल है, और हवन का सामान है, नारियल है, मूर्ति तक भी होती है ज़्यादातर, ये चपले वपले तो चलो ये तो होता ही रहता है, बाकी फूल तक का तो ठीक है, पानी तक का भी ठीक है, लेकिन ये कितना सारा देखना गंद, तो इससे नहर ही खराब होती है, पानी खराब हो रहा है, और कुछ नहीं, देखना कितना सारी पॉलीथीन फेंक देते हैं ऐसे ही। चलो ठीक है ठीक है, मतलब पंडित ने या फिर किसी बाबा ने तुम्हें बोल दिया कि ऐसे ऐसे बहा दो, कम से कम पॉलीथीन तो मत डालो, देखना पॉलीथीन कैसे दिल रही है। पॉलीथीन के साथ ही फेंक देते हैं, मतलब उसमें जो भी होता है उनका नारियल वगैरह, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का प्लीज़ कृपया करके, जो बच्चे वो लोग देखते हैं वो अपने पेरेंट्स को रोक सकते हैं कि भाई ऐसे ना किया करो, पॉलीथीन ही पॉलीथीन है, पॉलीथीन के साथ ही फेंक देते हैं। और ये लोकेशन है हमारी, पानी दिए, प्यास लगती, और हम काफ़ी थक चुके हैं, और अब हम यहाँ पे बनाएंगे कुछ रील्स, 2-3 बनाएंगे, तो चलो फटाफट बनाते हैं। ही इज़ माई फ्रेंड, जिसकी मैं थार पे वीडियोस बनाती हूँ, और अभी इसने मेरा चौपट कर दिया है, यहाँ पे ये इस एरोप्लेन के साथ आया है, और मेरा टोटली चौपट हो चुका है, और ऊपर से दांत फाड़ रहा है, बेशरम कहेगा, और मैं तैयार शार होके आई थी, बिल्कुल मुँह फॉर्म में थी मैं, और इसने 2 मिनट में सब कचरा कर दिया, अब इसके मुँह पे थप्पड़ लगेगा। हाय एवरीवन, अब हम आए हैं पान वाले के पास,
और अब हम खाएंगे पान और वीडियो बनाएंगे। और यहाँ मेरा गला खराब हो चुका है और ये बकवास करते हुए बेरोजगार हो चुका है ये, मतलब बस बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर, मैं कुछ कह नहीं सकती। तो अब हम यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बहुत टाइप के। क्या कह रहे हो आप? फैंस गए हैं अभी आपके? जी बिल्कुल। सो ये यहाँ पे वैरायटीज हैं, यहाँ पे वैरायटीज हैं। तो अभी हम यहाँ पे बोर हो रही है, मेरा पान बन रहा है। नवरत्न में ओरिजिनल की माँ में भी होता ही नहीं है कुछ। ये क्या लगा रहे हो आप? अरे हम यूपी की पैदाइश है भाई, यहाँ से पान पैदा हुआ है हिंदुस्तान में। अच्छा, लखनऊ से पैदा हुआ है? हाँ हाँ, कर रही हूँ मैं वो तो कहीं लखनऊ में और इंडिया में पान का बाबू का शहर तो लखनऊ ही है। सो ये भैया हमारा पान बना रहे हैं। कितना हो गया? 180। ये क्या है? ये गुलकंद है। ये इससे क्या होता है? ये मीठा होता है। अच्छा, डाइजेशन के लिए बढ़िया। किस चीज से बनता है ये? फूल से, कमल के फूल से, गुलाब के फूल। बाप रे, पान गुलकंद है ना ये? पता नहीं। 180 अब ये क्या है? नारियल पाउडर। इतना बड़ा पान मेरे मुंह में आ जाएगा? खिला दूंगा, ये आपको खाना पड़ेगा बस। अच्छा, अब कुछ नहीं, बस ये पान की फोल्डिंग हो गई। ए ओए छोटू, ये दे दिया को। अब मेरा टुकटी लग गया। और स्मोक कैसे आएगी? इसमें हम छोटे छोटे से होल्स करेंगे, ये हो गया। okay. अब स्मोक बनाएंगे। आ जाओ कहाँ? अच्छा, इससे क्या हुआ? ये अमन, हाय दब्बा, इतना गोरा चिट्टा लड़का, इसमें काला आ रहा है। फिल्टर लगा लेंगे ना, वो देख इसलिए रखा है। कितना फिल्टर लगाऊंगी मैं? सच में दिखाऊं तुझे? डल राइस में। ओके नाइस, सो लेट्स ट्राई गाइस। ये क्या है? बढ़िया, आप नहीं कुछ काले क्या है ये, मतलब है क्या? मेरी समझ में नहीं आया क्या था खाले। तो आप पहले तो तोड़ तो ले इसको, पूरा भी क्यों ठूस दिया तब तक? नहीं भाई, मेरे से नहीं हो रहा। आप काट, ज्यादा बड़ा दे दिया आपने, इतना बड़ा तो मुंह भी नहीं मेरा। अरे पहली बार में दांतरे के तो बहुत छोटा पाव, इससे बड़ा बड़ा पाव। स्मोक तो आई नहीं रही। समझ में नहीं आया क्या था क्या नहीं था, काफी अजीब था। और वो धुआं तो निकला ही नहीं, और फिर मैंने हाफ तोड़ के खाया, फिर भी मतलब कुछ समझ नहीं आया। और पीछे वो देखो क्या रिएक्शन दे रही है, सच में समझ नहीं आया क्या था। ओवर गणेश है इसके, उसका कुछ नहीं है। एंड वैसे टेस्टी है, बट जो वो मैंने सोचा था वो धुआं निकलेगा वो नहीं आया, तो मेरा तो काफी बैड एक्सपीरियंस था। तो अब ये रेड रेड क्या लगा हुआ इसके? कुछ लगा होगा, खा लें। सो पाल खाएगी पान और फिर बताएगी कैसा है। कैसा लगा? वैसे टेस्टी तो था, पर धुमा नहीं निकला। पागल, हम तुझे हौसला दे रहे, जल्दी निकल ले। नहीं जाना, अरे इतना यार खामा का यार, मेरे प्यारे पागल हो गई तो इसको भी, इसको भी एक लड़की पसंद आई और ये उसके पीछे भाग गए बुलेट पे वीडियो। गाइस अभी हमने रील्स बना लिए है और अब हम आए हैं यहाँ पे पार्क में थोड़ा सा वॉक करने। तो चलो एवरीवन, अब हम खा रहे हैं मोमोज और मम्मी मारेगी, देख लिया। गाइस हम वीडियोस बना लिए हैं, घूम फिर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं घर और चलो घर मिलते हैं। अब मैंने खाना खा लिया है और आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है KAAAJAAALL और मेरे 1 मिलियन होने वाले हैं, पता नहीं कब होंगे। ओके बाय एवरीवन, लव यू ऑल।